यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में अभी MA MSc के एडमिशन ओपन हुए हैं या नहीं हुए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में अभी MA MSc के एडमिशन ओपन हुए हैं या नहीं हुए, प्लीज़ हमें इसके बारे में बताया जाए। काफ़ी सारे मतलब इवन कमेंट्स में भी मैंने आपके पढ़े, तो मुझे लगा इसके ऊपर जो है वीडियो बनाना लाजमी बनता है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ये भी मैसेज कर रहे हैं कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा में BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि BS फिफ्थ सेमेस्टर जो कि अब आपको पता है ADP हो गया है, पहले ये होती थी कि आपने FSC के बाद क्या करनी होती थी, BSc करनी होती थी। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि MSc के एडमिशन ओपन हुए हैं, MA के एडमिशन ओपन हुए हैं, या BS फिफ्थ सेमेस्टर भी इसको बोलते हैं, क्या उसके एडमिशन ओपन हुए हैं। आप दूसरे अल्फाज में आपने BSc कर रखी है, जब आपने BSc कर रखी है तो आगे आपने MSc करनी है ना। तो अब काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि हमें ये बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा MA MSc 2021 के अंदर अभी एडमिशन जो है ओपन किया हो या नहीं किया। तो उसका आंसर ये है कि आप लोग प्लीज़ वेट करो, अभी उनके एडमिशन जो है ओपन नहीं हुए। आप लोग ऐसे खाम खा जो है टेंशन ले रहे हो, और आप लोग ऐसे मतलब कि आप ये कह रहे हो कि हमें बताएं इसका मेरिट बताएं, इसकी लिस्टें कब लगनी है ये भी बताएं। देखिए यार, जब एडमिशन ओपन होंगे तभी मैं आपको गाइड कर सकूँगा ना कि अब एडमिशन ओपन हो गया MA MSc में, या IDP बोलते हैं उसमें एडमिशन ओपन हो गया, या BS फिफ्थ सेमेस्टर में आप बोल आ सकते हो उसके अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए। लेकिन अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि हमें ऐसे बताया जाए, या मैं आपको ये चाहूँ कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ व्यूज़ के चक्कर में, मेरा मकसद व्यूज़ हासिल करना नहीं है, ना ही आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जो भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, मैं बहुत अथेंटिक सोर्सेज से कोशिश कर रहा हूँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, आप लोग अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सको। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि BA के एडमिशन कब होने हैं, तो BA के भी अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए, ना BSc के अभी एडमिशन ओपन हुए हैं। और काफ़ी सारे दोस्तों के ये भी क्वेश्चन थे कि MPhil के एडमिशन कब ओपन होने, वो भी अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए। तो जस्ट इस यूनिवर्सिटी में यानी कि सरगोधा यूनिवर्सिटी में जस्ट अभी अभी सिर्फ और सिर्फ BS प्रोग्राम्स के ही एडमिशन ओपन हैं। BS केमिस्ट्री, BS फिज़िक्स, BS जोलॉजी, BS बॉटनी और BS इंग्लिश, BS मैथ्स, BS उर्दू, इनके अंदर जो है अभी एडमिशन ओपन है। बाकी किसी भी प्रोग्राम्स के अंदर अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए, इवन फॉर्म डी के अंदर और DPT के भी इसमें अभी एडमिशन नहीं हुए। ये बात जहन में रख लो। और आप लोग अगर और क्या कहूँ मैं, ठीक है आपका ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा होगा। और इसके अलावा अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं मेरिट लिस्टें अपलोड करूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी ज़्यादा मुझसे हो रही है मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि फिर अपलोडिंग का भी इशू आ जाता है। अपलोडिंग मतलब आप एक दिन में इतनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दिया। अगर आप ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करोगे तो फिर मसला बन जाता है, इसलिए आप प्लीज़ टेंशन ना लें। जब भी यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है MA MSc के एडमिशन, तुम्हारा भाई इसी चैनल पर अपलोड करेगा। इसलिए कह रहा हूँ आगे बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। आगे वाली वीडियोज़ में मैं आपको इवन ये कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर बताऊँ, क्योंकि मैं प्रॉस्पेक्टस वगैरह जो है ले आया हूँ, तो जो ही मुझे प्रॉस्पेक्टस से इन्फॉर्मेशन मिलती है या किसी अथेंटिक सोर्सेज से, मैं आपसे आगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग जब यूनिवर्सिटी आओ तो आपको पता हो कि फ़लाँ डिपार्टमेंट की ये फ़ीस है, आपके पेरेंट्स को पता हो। आप लोग अगर ऐसे घूमते रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीस ज़्यादा हुई, आपके पेरेंट्स अफोर्ड ना कर सकते हो, तो आप लोग कहोगे कि इसने तो हमें बताया ही नहीं था कि इसकी फ़ीस कितना है, इसकी फ़ीस कितना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा हॉस्टल वगैरह की फ़ीसेज कितनी होती है, हॉस्टल में अप्लाई कैसे करते हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में शुरू शुरू दिनों में कैसे रहते हैं, मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गाइड किया जाए प्रॉपर। इसके अलावा अगर आप लोग गाइडेंस नहीं हासिल कर रहे हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ना तो अभी मेरे पास मेरिट लिस्टें हैं MA MSc के, और ना BSc के, और ना ही BA के, और ना ही BS फिफ्थ सेमेस्टर के, यानी कि ADP भी बोलते हैं, अभी उसकी मेरे पास कोई लिस्टें नहीं हैं। अभी जस्ट BS प्रोग्राम्स की मेरे पास लिस्टें हैं। जो ही उनके एडमिशन्स क्लोज होते हैं तो यूनिवर्सिटी जैसे अनाउंस करती है BSc या MA MSc या MPhil के एडमिशन्स, तो मैं आपको लाजमी अपने चैनल पर इन्फॉर्म करूँगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हो सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और वो लोग जिनके क्वेश्चन थे प्लीज़ हमें बताया जाए, तो सर सर कह रहे थे,
यार मैं सर नहीं हूँ, मुझे सर मत बुलाया करो, सर ना थोड़ा ऊंचा वर्ड है, ठीक है? अभी हम स्टूडेंट ही हैं, मैं स्टूडेंट ही रहने, तो मैं आपका ऐसे समझें आपका सीनियर हूँ, ठीक है? जब आप लोग आओगे तो आप हमें सीनियर पाओगे। वो हाँ उसका शेर है ना अपना, किसका किसका यार, वो यार उसका है जॉन एलिया का, तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी। तो जब आप लोग आओगे ना तो हमें यूनिवर्सिटी में सीनियर पाओगे, ठीक है? बाकी हमारा सर सर वाला कोई चक्कर नहीं है, तो एक बार हमसे मिलना ज़रूर। और ये भी देख रहे हो भाई लोग बैठे अपना अपना काम कर रहे हैं, हॉस्टल लाइफ ऐसे होती है यार, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह आपको टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा, तो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो की, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।